बताया जा रहा है गाइस कि 2 साल बाद फिर से शुरू होगी अमरनाथ की यात्रा। श्राइन बोर्ड की बैठक में यह फैसला जो है वो लिया गया है। अमरनाथ केव की बात करें गाइस, अमरनाथ गुफा की बात करें तो हिंदू मंदिर है ये, काफी फेमस हिंदू मंदिर हम लोग को देखने को मिलता है। कहां पर इसकी लोकेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में ये लोकेटेड है। हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो जाते हैं यहाँ पर मंदिर पर, राइट। और इसका ऑलरेडी इस मंदिर पर जाने के लिए जो है वो पहले से ही पूरी व्यवस्था जो है वो करनी पड़ती है। जैसे कि मेरे कजिन है, उनका रूटीन है, वो काफी सालों से जो है वो रेगुलर बेसिस पर जो है वो जा रहे हैं, वो मीडिया में है, बट पहले से ही जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना पड़ता है। पहले से हेल्थ चेकअप वगैरह होता है कि आप जो है वो वहां पर जाने के लिए हेल्दी होगी नहीं, फिट होगी नहीं, तो बहुत सारी चीजें जो है वो देखी जाती है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर है, राइट। 3,888 मीटर की ऊंचाई पर यह मंदिर सिचुएटेड है, राइट। और लगभग 141 किलोमीटर 141 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग को श्रीनगर से ये देखने को मिलता है, राइट, ये मंदिर। और अमरनाथ केव के अंदर हम लोग को स्टैलेगमाइट देखने को मिलता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने पढ़ा होगा गाइस ज्योग्राफी के अंदर, स्टेलेसाइट और स्टैलेगमाइट, है ना, ये दो चीज है वो आपने पढ़ी होगी, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्टैलेगमाइट जो है वो क्या होता है कि जैसे कि बर्फ है, बर्फ जो है वो ऊपर से जो है वो नीचे टपकती जा रही है और धीरे धीरे करके जो है वो एक हम लोग को कोनिकल फिगर जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे जो है वो बर्फ गिरते 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 एक कोनिकल फिगर जो है वो बन गया, राइट। और ऊपर से जब बर्फ जो है वो गिरती है तब हम लोग को ऊपर वाला फिगर, यानी कि इन्वर्टेड आप कह सकते हैं कि पिरामिड जो है वो बन जाता है, इन्वर्टेड पिरामिड, उल्टा पिरामिड हम लोग को देखने को मिलता है वो बनता है। तो जब वो उल्टा पिरामिड बनता है उसको स्टेलेसाइट जो है वो कहा जाता है, और जो नीचे वाला जो पिरामिड हम लोग को, यानी कि रेक्टेंगल सॉरी ट्राइंगल, तो नीचे जो ट्राइंगल हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि जो बनता है उसको स्टैलेगमाइट जो है वो कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कभी कभी डायरेक्टली ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है, इवन पता है ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अमरनाथ केव के अंदर जो है वो बताइए क्या है, स्टैलेगमाइट है या स्टैलेसाइट है, तो आपको स्टैलेगमाइट जो है वो ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जो फ्रीजिंग वाटर ड्रॉप्स जो हम लोग को देखने को मिलती है, जो बर्फीला जो पानी हम लोग को देखने को मिलता है, बूंद जो हम लोग को देखने को मिलती है, वो नीचे जमीन पर गिरती रहती है और उसके कारण जो है ये हम लोग को देखने को मिलता है कि भगवान शिव जो है उसका आकार जो है वो बन जाता है, पिंडी जो हम लोग बोलते हैं ना शिव जी की पिंडी, तो वो जो है वो बन जाती है। तो वो स्टैलेगमाइट है, ज्योग्राफिकल टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है और इसे शिवलिंग जो है वो कहा जाता है, राइट, हिंदूज के द्वारा। और हिंदू मान्यता की बात करें, हिंदू धार्मिक मान्यता की, तो यह वह स्थान बताया जाता है जहां पर शिवजी ने अपनी दिव्य पत्नी पार्वती जी को जीवन और अनंत काल का रहस्य समझाया था। इवन ये भी कहा जाता है कि यहां से भगवान शिव जो है वो डायरेक्ट स्वर्ग के लिए जो है वो चले गए थे, राइट। तो ये वाली चीज भी जो है वो कही जाती है। और अमरनाथ मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। अब ये 18 महाशक्ति पीठ कौन से पीठ है गाइस, तो ये पार्ट्स हैं माता सती के, जो पार्ट्स हैं, राइट। जब सती जी ने जो है वो अपने आप को जो है, आपको पता होगा आपने अगर ये रिलीजियस स्टोरीज वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, आपको आइडिया होगा, तो सती जी ने जो है गाइस अपना देह जो है वो त्याग दिया था, आपको पता होगा, मतलब अग्नि में वो समा गई थी, और उसके बाद फिर इनके जितने भी पार्ट्स जो हम लोग को देखने को मिले थे ये 18 जगह पर, अलग अलग जगह पर जो है वो बिखर गए थे। और ये जो 18 जगह पर इनकी जो बॉडी पार्ट्स जो मतलब गिरे थे, तो उसको हम लोग 18 शक्ति पीठ कहते हैं, उनमें से एक हम लोग को अमरनाथ भी देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट है गाइस काफी इंपॉर्टेंट, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अमरनाथ यात्रा से भी रिलेटेड, और इवन जो ये जो शिवलिंग जो हम लोग को देखने को मिलते हैं तो वो कैसे बने हैं, और ये स्टैलेगमाइट जो है वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आ सकती है।